फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं BHU पाठशाला और मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ BHU का ये हाल है। आप देख रहे हैं BHU पाठशाला। BHU पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको एजुकेशनल, इन्फॉर्मेटिव और इन दिनों आपको काउंसलिंग पे कंटिन्यूअस वीडियोस दे रहा है। और मैं इसमें खड़ा हूँ BHU के मेन द्वार पे, जहाँ से आप लोग को अभी एंट्री करने का बहुत जल्द मौका मिलने वाला है। जो भी कैंडिडेट आता है वो जनरली इसी गेट से अंदर आता है और ये रास्ता सीधे यूँ ऐसे फोल्ड हो जाएगा, मुड़ेगा और ये जाएगा आपको BHU के अंदर रास्ता ले जाएगा, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट और फैकल्टीज़ में आपको एंट्री दिलवाएगा, जिसमें सबसे पहले MM भी आते हैं। बेसिकली ये वीडियो मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग को ये पता चल सके कि आपकी काउंसलिंग वेन्यू कौन कौन सी है। जैसे कॉमर्स की काउंसलिंग कहाँ होनी है, आर्ट्स की काउंसलिंग कहाँ होनी है, सोशल की काउंसलिंग कहाँ होनी है, साइंस की काउंसलिंग कहाँ होनी है, BEd, LLB। मीन्स ये पूरा का पूरा एक ऐसा वीडियो होने वाला है जिससे कि आपको रूट का पता चलेगा और आपको प्लेस पता चलेगा कि आपकी काउंसलिंग कहाँ होनी है। और एक तरह से एक ब्लॉग वीडियो भी हो जाएगा हमारा, कहीं ना कहीं हम इसी बहाने और BHU का एक दर्शन करेंगे। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लोकेशन है। मैं सोचा पहले एक मिनट मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूँ इस प्लेस के बारे में। तो कैसा लग रहा है ये वाला सीन? मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप आना तो ज़रूर इस प्लेस पे, एक बार सेल्फी वगैरह ज़रूर लेना। और देखो ये जो सामने दिख रहा होगा चैनल वाला गेट, जैसे आपको कोई कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है कि ये प्लेस कहाँ है, तो आप बेसिकली वहाँ पे हमेशा प्रॉक्टर टीम खड़ी रहती है। प्रॉक्टर टीम मतलब जो यहाँ पे सिक्योरिटी का जिम्मा ले रखा है, तो उनसे आप पूछ लेना अपना कॉल लेटर, एडमिट कार्ड दिखा के कि ये वेन्यू कहाँ पे जाएगा, तो वो आपका हेल्प पूरा कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपने फैकल्टी वगैरह का नेम भी देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे ये फैकल्टी वगैरह के नेम पड़े हुए, मैं आई हेल्प यू करके पूरा सीरियल से पड़ा हुआ है कौन सी फैकल्टी का रास्ता। तो वैसे तो यहाँ से तो पूरी फैकल्टी का रास्ता खुल जाता है। फिर इसके बाद एक चौराहा आएगा, तो मैं आपको बाइक से दिखा देता हूँ और फिर वो प्लेस भी दिखाऊंगा जहाँ पे आप लोग की पार्टिकुलर काउंसलिंग होनी है, ठीक है? सो प्लीज़ एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। मिलते हैं हम लोग काउंसलिंग वेन्यू पे, लेकिन प्लीज़ लाइक करना मत भूलेगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्त। मैं आपको एक बार मैं मनोज सर से भी मिला देता हूँ और आज ड्राइवर यही है। आई होप कि थोड़ा स्लोमो गाड़ी चलानी है, तो स्लो मोशन में समझ रहे हो सर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि भाई सर आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि कभी स्लो मोशन में गाड़ी चलाया होगा। नहीं नहीं, मैं बाइक फास्ट नहीं चलाता यार। अच्छा, 40-45 नहीं तो यहाँ और कम चलाना पड़ेगा, 10 की स्पीड चलाना पड़ेगा। अरे इनको भी गाइस देखते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए आप स्टार्ट कीजिए। ओके गाइस, तो इस टूर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये टूर हम लोग का स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हो ये अच्छा सा मज़ेदार सा सीन। आज है संडे और हम लोग अच्छा भाई तो गेट पे भी कुछ लोग से मुलाकात भी हमारी हुई, कुछ सब्सक्राइबर्स वहाँ पे मिल गए जो कि आज अपना प्लेस देखने आए थे। तो आप लोग वीडियो के माध्यम से घर बैठे प्लेस देख लो भाई, हम लोग तो हैं ही बताने के लिए। देखो ये रास्ता अभी शाम का टाइम कितना हो रहा है, मुझे लगभग 3:30 हो रहा है। देखिए MMB आ गया, मैं MMB आपको दिखा देता हूँ एक बार। भाई देखो ये MMB है, ठीक है? देखो ये MMB का गेट है। नहीं आप चलते रहिए, बच्चों को उतना रोक के नहीं दिखाना है। आप देखो ये MMB का गेट है, जिनका MMB में काउंसलिंग वो MMB देख ली, ये MMB है। और उसके बाद सीधे जाना है। देखो एक रास्ता यहाँ मुड़ता है, मैं आपको दिखा दूँ, एक रास्ता यहाँ मुड़ता है, ये मेन चौराहा है, पहला चौराहा। लेकिन हम लोग सीधे जा रहे हैं, हम लोग सीधे जा रहे हैं क्योंकि हमें बेसिकली आर्ट्स फैकल्टी जाना है, कॉमर्स जाना है, तो जो आगे वाला तिरमुहानी आएगा वहाँ से हमारा सभी रूट एक साथ ओपन होता है, तो हम लोग वहाँ पे चलेंगे। तो मैं चाहूँगा सर थोड़ा सा गाड़ी तेज कर दीजिएगा, ठीक है? अरे आप लोग BHU में आ रहे हो, आई होप कि आप बहुत एक्साइटेड होगी। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए भी, मुझे अपना दिन याद है, हम एडिट इंडस्ट्री में आया था और अभी तो मैं आप लोग से 3-4 साल बड़ा हो चुका हूँ मुझे लग रहा है। लेकिन वो जो एक्साइटमेंट होता है ना, पहली बार आता है, आप उसे एक्साइटमेंट को मिस मत करिए। देखिए ये रास्ता मुड़ गया, मनोज सर ने गाड़ी घुमा ली है, आपको मैं पीछे वाला रूट दिखाता हूँ। देखिए और रास्ता था, हम लोग सीधे आए हैं, इन्होंने क्या किया है, राइट टर्न लिया। देखिए मेरा ये राइट हैंड है, राइट टर्न लिया है और सीधे जा रहे हैं। मतलब ना, और ये देखिए मधुबन आया है, बगल में मेरे मधुबन है, इधर साइड देखिए मधुबन है, ठीक है? और ये अभी सीधे जा रहे हैं रूट पे, मैं आपको देखिए फोटो दिखा रहा हूँ। देखिए ये सीधे गाड़ी जा रही है, मैं तो बोलूँगा कि हाँ ये देखिए ये है आपका
कला संकाय, कला संकाय मतलब वो वाला शास्त्री वाला, क्या नाम है पूरा इसका, संगीत, हाँ संगीत में मंच कला संकाय नाम है इसका, वो थल दे। इसके बाद देखिए ये चौराहा आया आपका, मैं इसको दिखा देता हूँ। देखिए ये चौराहा आएगा, ये चौराहे तो सीधे जाना है, ठीक है। अब हमारा भारत कला भवन बगल से हमारे गुजर रहे हैं, मैं आपको हमारा भारत कला भवन दिखा देता हूँ। देखो ये भारत कला भवन आने वाला है, हाँ एक मिनट है, आप स्लो कर दीजिएगा, हम दोनों दिखा देते हैं। देखिए ये भारत कला भवन है, इसका गेट सामने से ही था, यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो। और ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है यहाँ पे, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ठीक है। और बस हम लोग आर्ट फैकल्टी पहुँच गए हैं, और हमारा टूर देखो कितना पास है ना मेन गेट से, यूँ एंट्री लिया और हम लोग हाजिर हैं अपने प्लेस पे। भाई BHU में साइकिल से जो मज़ा है वो बाइक से नहीं है, मैं मेरा मानना है, क्योंकि मेरा मैं अब हाँ ये प्लेस में उतर के इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, आपकी आपका गाड़ी चलाने का अंदाज मुझे सर बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोलना चाहूँगा पूरे सब्सक्राइबर की तरफ से, मनोज सर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखो ये जो प्लेस है ना, बहुत बेहतरीन प्लेस पर मैं खड़ा हूँ अभी, आज चहल पहल नहीं है, संडे है, लोग नहीं है, और मैं इस रास्ते से आया था, ठीक है। और अब ये रास्ता जाता है आपका बिरला हॉस्टल ये वाला, और ये रास्ता जाता है आपका आगे, मीन्स VT जाएगा, कॉमर्स फैकल्टी जाएगा, फिर साइंस वाला जाएगा, मीन्स जितनी भी फैकल्टीज हैं ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे, इसी रूट पे आपके काउंसलिंग प्लेस से जाएंगे। और यहाँ पे देखिए टीम एक बैठी होगी, इस पेड़ के नीचे एक टीम बैठी होगी, बहुत सारे यहाँ पे टीम अपने चलते रहते हैं, तो यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हो, पूछ सकते हो कि। और फिर ए वाली रूट देखिए, आर्ट्स एंड सोशल जाती है, ए वाली रूट ए आर्ट्स एंड सोशल जाती है, जिधर तीन भैया लोग आ रहे हैं, ये आर्ट्स एंड सोशल जाएगी। आर्ट्स एंड सोशल का आगे से भी चौराहा है, जो मेन चौराहा है वो आगे से, लेकिन शॉर्टकट पीछे से अगर घुस एंट्री लेना हो तो ये वाला रूट जो है ये आपका आर्ट्स फैकल्टी जाता है, ठीक है। और अभी मैं आपको प्रेमचंद सभागार, जो कि पर्टिकुलर नेम से आपके उस पे वेन्यू पे लिखा हुआ है, RK हाल लिखा होगा, तो मैं अभी इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हाँ जो सोशल की काउंसलिंग होगी, अच्छा हिंदी में किसी का है, ये हिंदी विभाग है बगल में, देखो हिंदी विभाग इसी चौराहे से, देखो ये जो इस चौराहे के आने के बाद आपके लगभग जो प्लेसेज हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो ये हिंदी वाला है। अभी मैं चाहूँगा कि आपको मैं दिखा दूँ, क्या बोलते हैं, समता भवन, शायद सोशल का समता भवन मैंने, हाँ ओके डन। मैं चाहूँगा भैया कुछ बोलना चाह रहे थे, हाँ भैया, तो भैया आपका नाम क्या है, अच्छा मतलब अच्छा यहाँ से क्या कर रहे हैं, अच्छा भैया MBA कर रहे हैं, भाई सीनियर है भैया, तो क्या कुछ बोलना चाहोगे तो आप बोल दो। ओके थैंक यू सो मच भैया, हाँ तो मैं चाहूंगा भैया आप भी कुछ, मैं दुर्गेश तिवारी, ये मेरा विभाग हिंदी विभाग है, यहीं से मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। अच्छा भैया रिसर्च स्कॉलर है, मैं चाहूंगा भैया के लिए एक बार आप सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि भाई देखो स्कॉलर जो होते हैं मैं समझता हूँ प्रोफेसर से एक पद नीचे होता है, बाकी आप वही समझो। भैया ने लास्ट सेमेस्टर हम लोगों को पढ़ाया भी है। अच्छा भैया ने पढ़ाया भी है, देख लो कितने, वैसे आपको भी चीजें देखने सुनने को मिलेगी यहाँ पे, तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर दोस्तों हम लोग अपने इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, मिलते हैं हम लोग काउंसलिंग वेन्यू पे। अच्छा आपने देखा होगा कि उस वाले चौराहे से मैं आगे बढ़ते आ रहा था, ये बगल में समता भवन है, इसका गेट वहाँ से होगा, बस ये देखिए यूं बस उस पोल के पास से अंदर जाता है समता भवन, तो जो सोशल साइंस की काउंसलिंग है वो समता भवन में होगी, ठीक है। और फिर इसके बाद हमें आपको दिखाना है प्रेमचंद सभागार और क्या है RK हाल, तो ठीक है RK हाल की वीडियो मैं इंड में लगा दूंगा, अभी मैं आपको प्रेमचंद सभागार दिखा देता हूँ। अच्छा आप कुछ बच्चों को देख रहे हो पीछे, आज MCC 3rd year का पेपर था एक्चुअली इन लोग का, आप यहाँ पे आके NCC भी कर सकते हो, आप देख रहे हो पीछे वो जा रहे हैं, वो जो लोग NCC कैडेट है वो 3rd year का पेपर है, मैं एक ऑलरेडी NCC कैडेट हूँ, तो मैं तो चाहता हूँ आप लोग को एडवाइस करूँगा कि आप लोग जब भी कोई फैसिलिटी मिले फ़ायदा उठाओ, कुछ भी फ्री का हवा मिले उसको लो, फ्री की पानी मिले उसको लो, और फ्री की फैसिलिटीज मिले उसको लो, ठीक है। तो ये मैं अपने सपनों की फैकल्टी में जा रहा हूँ भाई, मैं इस फैकल्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, तो ये आर्ट फैकल्टी की साइड रास्ता जा रहे हैं। मनोज सर आपके स्लो मोशन में बड़ा ही अच्छा सा ड्राइविंग करते हुए आर्ट फैकल्टी पहुँचाने वाले हैं, और ये देखिए हम लोग आ गए, आज आर्ट फैकल्टी की गेट लॉक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप घुमा लीजिए, हम दिखा देंगे। अच्छा देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये है, ठीक है, और ये है हम लोग का कला संकाय जो कि अभी लॉक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपका प्लेस कहाँ, आपको आना कहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ आना है, अच्छा मैं चाहूँ तो अंदर जाके दिखा सकता हूँ, लेकिन देखिए ये है आर्ट फैकल्टी का मेन गेट, ठीक है। आपको
इस रास्ते से सीधे आना है, ठीक है, इस वाले रास्ते से सीधे आना है। बाकी आपके पास ऑटो का ऑप्शन होगा, आप ऑटो वाले से बोलोगे सीधे आर्ट्स फैकल्टी छोड़ेगा, और ये आपका है आपका आर्ट्स फैकल्टी, ठीक है, मेन गेट है, और बस इस मेन गेट के पास आ जाओगे, यहाँ पे बाकी बीएचयू पाठशाला की पूरी टीम होगी इस पेड़ के पास। समझ लो कि ये बहुत ऐतिहासिक, बहुत हिस्टोरिकल पौधा है, और यहाँ पे आप आना और हम आपको पूरी, फिर यहाँ के बाद आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पूरा हेल्प किया जाएगा, पूरी चीज़ें बताई जाएंगी। तो इसी के अंदर आपका आरके हॉल है, इसी के अंदर आपका क्या बोलते हैं प्रेमचंद सभागार भी है, इसी बस इस मतलब इस गेट के अंदर घुसने के बाद आपके पूरे प्लेसेज ओपन हो जाते हैं। और अब हम लोग को दिखाना है बीकॉम का, तो बीकॉम के जो बच्चे हैं बस इसी चौराहे से आगे जाएंगे, उनका भी है कॉम्प्लेक्स थिएटर वगैरह जो भी है प्लेस। बस ये समझ लेना कि आप गेट में घुसने के बाद, ठीक है, मैं सॉर्ट आउट कर दे रहा हूँ अभी, हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, देखिए ये है, जैसे कि इसमें ज्योग्राफी, आप लोग जैसे आना ना तो आप आधे घंटे का टाइम निकाल के एक बार थोड़ा घूम लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल का एरिया है, चाहो तो थोड़ा अपने डिपार्टमेंट फैकल्टी को देखोगे अच्छा लगेगा। लेकिन मैं अभी अपने यात्रा बंद नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा कि सर प्लीज़ एक बार भीटी तक पहुँचा दीजिए, और बीच में मैं बीकॉम का प्लेसेस दिखा दूँ इनको और मैं साइंस का दिखा दूँ, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताते रहो कि कैसा लग रहा है ये टूर, क्योंकि चंद दिनों बाद आप होने वाले हो इस बीएचयू का हिस्सा, बेहतर यूनिवर्सिटी जो कि ऑल इंडिया थर्ड रैंक और मेरी नज़र में पहली रैंक आप भारत के लगाने यूनिवर्सिटी में आप आने वाले हो। आपको कैसा फील हो रहा है आप कमेंट्स करके जरूर बताओ। जो लोग इस बार आ रहे हैं और उनके लिए बहुत सारी गुड विशेज, और जो लोग नहीं आ पाए वो बीएचयू पाठशाला के न्यू सेशन से जुड़ो, हम फिर से मेहनत करेंगे और हम फिर से आएंगे इस सपनों के नगरी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जो कि निश्चित रूप से मैंने बहुत कुछ यहाँ पे सीखा है। ये देखिए आपका न्यू लेक्चर थिएटर है, जिसके भी काउंसलिंग वेन्यू पे न्यू लेक्चर थिएटर लिखा होगा वो इस प्लेस पे आएगा, और प्लीज़ एक सेल्फी, एक पिक जरूर लेगा, और जिसकी सेल्फी पिक बहुत अच्छी रही हो मुझे सेंड करना, मैं उसे कम्युनिटी में शेयर करूँगा, वायरल कराऊँगा, ये मेरी गारंटी है। और चाहो तो दो चार शब्द बोल के मुझे बोल भेज सकते हो, बेहिचक आप, वो आपका चैनल है भाई, आपकी हेल्प से इतना आगे बढ़ा है। तो मैं तो चाहूँगा कि आप अपने पहले दिन के एक्सप्रेशन को बताओ, आपके अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं, आपके अंदर जो फीलिंग्स आ रही है बीएचयू यूनिवर्सिटी को लेके, इन सभी चीज़ों को आप हमें बताओ और हम उसको लोगों तक पहुँचाएंगे। ये देखिए है आपका कॉमर्स का कॉमर्स फैकल्टी है ये, और यहाँ पर कॉमर्स की क्या बोलते हैं आपकी काउंसलिंग होनी है। जो लोग भी देखिए वहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है आपकी कुछ ऑलरेडी नोटिस वगैरह लिख गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ देखो कॉमर्स बच्चों का ये है, सीधे रूट से आना है, मैंने जिस रूट से आपको घुमाया है इस रूट पे ही सबका है, समझ रहे हो। अभी देखो एग्रीकल्चर और साइंस का भी आने वाला है, बहुत अच्छा सा, मैं चाहूँगा जल्दी से पहुँचाइए इनके भाई, साइंस दिखा दिया जाए, मात्र 12 मिनट का एक है, आपको नहीं लगा होगा देखिए सेमिनार कम्प्लेक्स है, ठीक है, मैं चाहूँगा बस घुमा दीजिएगा सेमिनार कम्प्लेक्स से, घुमा दीजिएगा, सेमिनार कम्प्लेक्स में मैं आपको मूविंग करके दिखा देता हूँ। देखो तो सेमिनार कम्प्लेक्स में काउंसलिंग होनी है मैथ साइंस वालों की, तो वो लोग इस रूट से आएंगे, इंडिकेटर बंद कर दीजिए। और ये आराम से भाई सेमिनार कम्प्लेक्स अंदर से बहुत बेहतरीन बना हुआ है, मैं तो इसके अंदर लास्ट टाइम काउंसलिंग में गया भी हूँ, कुछ लोग की हेल्प वगैरह रिक्वायरमेंट थी। तो आप बेहिचक देखो ये है ना सेमिनार कम्प्लेक्स संगोष्ठी संकुल, हाँ, और इसके अंदर बड़ा अच्छा सा डेकोरेशन है, यूँ बड़े अच्छे अच्छे डेस्क वगैरह लगे हुए हैं, हाँ, एसी वगैरह पूरा फुल एसी है, हाँ, बड़े बड़े प्रोफेसर्स वगैरह यहाँ पे आएंगे आपकी काउंसलिंग करेंगे। तो बेहिचक आप आओ, स्वागत है आप सभी लोग, आओ और काउंसलिंग वगैरह कराओ। और मैं आपको यहाँ से एक छोटा सा ग्लिम्पस दिखाता हूँ, आप उस पेड़ के नीचे से हल्का सा देख सकते हो, शायद मुझे नहीं दिख रहा है, वो जाता है रास्ता काशी विश्वनाथ मंदिर। तो मैं चाहूँगा कि सर प्लीज़ काशी हिंदू विश्वनाथ मंदिर ले चलिए, आज हम लोग उसको घूमेंगे और लोगों को दर्शन कराएंगे, और आप सभी लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और नवरात्र का ये दूसरा दिन है, और इस दिन मैं आपको चाहूँगा कि आप लोग भोलेनाथ का भी दर्शन करो। तो आइए हम लोग चलते हैं, भीटी पहुँचने वाले हैं, मैं आपको भीटी भी दिखा देता हूँ, और वहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करेंगे। और सभी लोग से विनम्र निवेदन मैं करूँगा कि प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बीएचयू पाठशाला को पहुँचा दो इस सीजन में उन बुलंदियों तक, जहाँ से कि हम लोग और आप लोग मिलके आने वाले सेशन को बहुत कुछ दे पाएँ, और उनको
भी इस महामना की बगिया में ले आए और वो लोग भी अब जो सपना किसी कारणवश उनका अधूरा रह गया वो पूरा हो पाए। तो देखिए हम लोग चहल पहल का प्लेस आप देख लोगे यहाँ पे, हाँ बी एस सी एग्रीकल्चर भी दिखा देते हैं भाई। मैं चाहूँगा बस बाहर से बस रन ले लो, टर्निंग ले लो, ठीक है, क्योंकि बी एस सी एग्रीकल्चर लाइब्रेरी दिखा दो। ये देखिए हम लोग आगे भीटी भाई, कितना अच्छा सा माहौल है, आज संडे है तो लोग थोड़ा भीटी आना होना अपना देखो लगा रखे हैं। तो हर महादेव जय श्री कृष्ण राधे राधे ओम नमः शिवाय। आप ये देख लो भाई भीटी का रास्ता, वो दूर आप लोग आना, भीटी जरूर दर्शन करना। सभी लोग से रिक्वेस्ट है मेरा और ये आग्रह भी है कि महामना की बगिया में आए तो विश्वनाथ जी से जरूर मुलाकात कर लेना भाई। और देखो ये हम लोग आ गए इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, ठीक है, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस। और ये बस इसके जस्ट बगल में इस दिल के दिल में एक दिल बसा हुआ है और वो है हमारी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मेन गेट है और बस कुछ दूर पे आपको लाइब्रेरी दिख जाएगा, मैं चाहूँगा उसका थोड़ा सा आगे लीजिएगा। और इस वीडियो को जब लोग ऑफ करने वाले थे हम लोग सेंट्रल ऑफिस चल के ऑफ करेंगे, ठीक है, तो सर प्लीज़ सेंट्रल ऑफिस तक ले चलिए, इस वीडियो को हम लोग ऑफ करेंगे। और ये देखिए बगल से आपको दिख रहा होगा ये सेंट्रल लाइब्रेरी का लुक है जो कि बड़ा ही मनोरम है और सुंदर है, स्वर्णिम है और एकदम जीता जागता मैं आपको एक स्वर्ग दिखा रहा हूँ, समझ लो ये है हमारा BHU का साइबर एंड सेंटर लाइब्रेरी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप भी एंजॉय कर रहे होगे इस संडे को, खैर आपको शायद मंडे को वीडियो मिले, लेकिन प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर। मैं चाहूँगा सर प्लीज़ ऑफिस में ले चलिएगा, ऑफिस का गेट खुला क्या? गेट खुला हुआ है बट ऑफिस बंद है सर, नहीं मेन गेट भी ऑफिस का खुला हुआ है। देखिए अब हम लोग एंट्री ले चुके हैं, ये सेंट्रल लाइब्रेरी है जो कि अक्सर आप मुझे देखते होंगे, मैं वीडियोज़ वगैरह यहाँ पे आता रहता हूँ, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके होते हैं मैं देता हूँ। अच्छा ठीक है, अंदर सर बोल रहे हैं अंदर अलाउ नहीं होगा तो कोई बात नहीं, गेट तक आप चल सकते हैं, गेट तक, हाँ सर आप गेट तक ले चलिए और ठीक है, मैं खुद अंदर उतर के मैं घुमा देता हूँ। और यहाँ पे इस वीडियो को हम लोग ऑफ करेंगे, लेकिन सेंट्रल लाइब्रेरी की इस सुंदर सी बिल्डिंग को मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो ये है हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी और आज सेंट्रल लाइब्रेरी संडे है तो बंद है, नहीं तो जनरली यहाँ पे बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और उसके बाद इधर साइड पूरी फोर व्हीलर खड़ी रहती है और जो भी ऑफिस के मैनेजमेंट के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि लास्ट में मनोज सर के साथ हम लोग इस वीडियो को ऑफ करेंगे। एग्रीकल्चर का पार्ट, अच्छा ये बगल में एग्रीकल्चर का भाई, यहाँ पे खेती बाड़ी होता रहता है। तो सर मुझे लग रहा है लॉन्ग वीडियो हो गए तो इसको यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। मैं चाहूँगा मनोज सर प्लीज़ लास्ट में कुछ बोलो, तो क्या हुआ नहीं क्या बोले, आप लोग आइए अपने सपनों को पूरा कीजिए और यहाँ पर आप लोग अच्छे से काउंसलिंग कराइए, डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखिए और एक बार जब BHU आइए तो ज़रूर इसको घूम के जाइए। और दूसरी बात, मैं कैंपस के अंदर था, यहाँ पर भीड़ आज बिल्कुल भी नहीं थी, मैंने हेलमेट नहीं पहना था। आप लोग कभी भी बाइक चलाइए तो हेलमेट जरूर को, सॉरी हाँ क्योंकि अगर आप सुरक्षित होंगे, हेलमेट नहीं रखा था गाड़ी में हम लोग, हेलमेट लगा हुआ है, रहेंगे तभी आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो प्लीज इस रूल को जरूर फॉलो कीजिएगा, वियर हेलमेट वाइल राइडिंग, ओके डन सर का ये मैसेज बहुत अच्छा लगा मुझे भी और मैं भी इस चीज़ को अपने दिमाग में ध्यान में बैठा के रखूंगा। तो ये रहा हम लोग का टूर और हम लोग इस टूर को यहाँ पे ऑफ करेंगे और मैं सभी लोग से फिर से विनम्र निवेदन करूंगा कि प्लीज़ आप लोग चैनल को जैसे इतना लव सपोर्ट किया है वैसे फ्यूचर में करते रहिए, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर और हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं BHU पाठशाला और मैं आपको अभी एक बहुत ही अच्छा हॉल इंट्रोड्यूस करा रहा हूं जहां पे अभी काउंसलिंग होनी है और इस हॉल का नाम है RK हॉल। BHU आर्ट्स फैकल्टी में कई सारे हॉल हैं जिसमें एनी बेसेंट, प्रेमचंद सभागार और आप लोगों के एडमिट कार्ड पे बहुत लोग के काउंसलिंग वेन्यू में लिखा होगा राधा कृष्णन हॉल। तो राधा कृष्णन हॉल जो है अभी देखिए रीअरेंज है, अभी ये पूरा प्रॉपर रेडी नहीं हुआ है, ये पूरा यहाँ पे चीज़ें अच्छे से हैं आप देख सकते हो। आपको बेसिकली इसी हॉल में आपको काउंसलिंग के लिए आना है, यहाँ से महज कुछ थोड़े ही दूर पे प्रेमचंद सभागार भी है, मैं आपको वो भी घुमा दूंगा। अभी ये देखिए लाइट वगैरह भी मरम्मत हो रहा है, फ़ैन वगैरह का, एक्चुअली यूनिवर्सिटी बंद था बहुत दिनों से तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी अरेंज नहीं है, बहुत जल्द ये सब पूरी चीज़ें हो जाएंगी। लास्ट टाइम की बहुत सारी मेमोरीज भी हैं इस स्टेज पर, हम लोगों ने भी कुछ प्रोग्राम वगैरह किया है स्पंदन वगैरह इन सब चीज़ों में। तो गाइज प्लीज़ एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, चैनल पे बने रहो, बाकी बहुत सारे अपडेट मैं आपको दूंगा।
एक बार मैं आपको फ्रंट से पूरी चीज़ें दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए प्रोफेसर्स डीन आपके पहले दिन बैठते हैं, यहाँ पे एक प्रोजेक्टर लगता है जिस पे आपको BHU का एक थोड़ा सा इंट्रो बताया जाएगा। देखिए ये पूरा लोकेशन है, वो गेट है जहाँ पे मेरे दो मित्र दिखाई दे रहे होंगे, और उस गेट से आपको बेसिकली एंट्री लेना है और आपको यहाँ पे बैठना रहेगा। फिर ये जो यहाँ पे एक डाइस लगती है, यहाँ पे भी है नहीं, यहाँ पे एक डाइस लगेगी जहाँ से आपको इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा प्रोसीजर के बारे में आगे कि कैसे काउंसलिंग फॉलो करना है, क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद अभी लाइट वगैरह जल जाता है ना, भाई अंधेरा है ये पूरा, अभी ये लाइट जल जाएगा तो बहुत अच्छे से। अभी मैंने इसको खुलवा के वीडियो के लिए आप लोग को दिखाने के लिए मैंने इसको बोला एक मिनट के लिए ओपन कर दीजिए, थोड़ा सा मुझे इंट्रोड्यूस कराना है। अभी ये बंद हो जाएगा क्योंकि बाकी और भी काम इसमें थोड़ा सा वैसा प्लेस है, अलाउ नहीं है अभी, ठीक है। तो ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार इस कॉर्नर से भी लोकेशन, ठीक है गाइस। और एक बार सब लोग आना तो इसमें अपना सेल्फी ज़रूर लेना, ये बहुत अच्छा है। इसमें म्यूजिक सिस्टम वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, बहुत अच्छा ये हॉल है। अभी ये नया नया मरम्मत हुआ है, पहले इसके बहुत खराब हो गया था। देख रहे हैं कैसा इतना अच्छा लोकेशन है। ठीक है, तुम लोग को पता नहीं है ना अभी कुछ, ठीक है। ओके, डू लाइक डू शेयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।